कोयला कंपनियों के दबाव में आकर झारखंड सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने जंगली जीव जंतुओं के लिए समेकित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना को खाली बस्ते में डाल दिया। कोयला खनन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। यहाँ यह बताते चले कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही वन और पर्यावरण विभाग है। वन विभाग के इतने बड़े घोटाले के आरोपियों को क्यों बचाया जा रहा है अथवा मुख्यमंत्री तक क्यों ये बातें नहीं पहुंचाई जा रही, यह तो समय ही बताएगा। वन्य प्राणी संस्थान देहरादून से नॉर्थ करणपुरा कोल ब्लॉक से प्रस्तावित क्षेत्र में 2050 करोड़ रुपए के वन प्राणी प्रबंधन योजना को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि परियोजना की लागत राशि ही झारखंड सरकार के तत्कालीन PCCL ALR सिंह और उनके सहयोगियों ने 225 करोड़ कर दी, यानी 2050 करोड़ की योजना में 1775 करोड़ से अधिक की कमी कोयला कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। इसमें NTPC समेत CCL, जिंदल साउथ वेस्ट, टाटा स्टील समेत 40 निजी कंपनियों को पैसा, वन्य प्राणियों के बेहतर प्रबंधन, उनके समुचित रख रखाव, माइनिंग एरिया से गुजरने के लिए सेफ पैसेज मुहैया कराने की व्यवस्था करनी थी। झारखंड सरकार की तरफ से इसको लेकर एक जांच कमेटी भी बनाई गई। 2013 में बनी परियोजना की जांच 2019 अक्टूबर में सेवानिवृत्त अधिकारी शशिनंद कुरियार ने पूरी की और वन विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जानकारी के अनुसार जब तक जांच पूरी हुई तब तक ALR सिंह सेवानिवृत्त हो गए। योजना को पूरा करने के लिए तत्कालीन PCCFBC निगम और सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर PS पीसा और JB जमुआर को लगाया गया था। योजना के सहयोगी डॉक्टर DS श्रीवास्तव को वन विभाग के सभी समितियों से हटा दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि समेकित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना की लागत कम कराने में बड़ी राशि का लेन देन हुआ है। अब वर्तमान PCCAF PK वर्मा में जांच रिपोर्ट के बाद अभियोजन चलाने की स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना का बेल्ट हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, रांची और लातेहार जिले में अवस्थित है। 2012 में भारत सरकार की सलाहकार समिति ने वन प्राणी प्रबंधन को मंजूरी दी थी।